डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनमोल क्लासेज। तो मैं भानु आपका एक बार स्वागत करता हूँ अनमोल क्लासेज में। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने सीखा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आप जानते ही हैं, तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो बच्चों, हर एक टेंस में मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ कि किसी भी टेंस को पहचानने के लिए उसकी एक पहचान गिवन होती है, उस पहचान को हमें सीखना होता है। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस की भी एक पहचान होती है कि कुछ चिन्ह होते हैं, कुछ शब्द होते हैं, उनको देखकर हम पहचानते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो बच्चों, जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं, वो शब्द चुका था, चुकी थी या चुके थे, ये शब्द किसी वाक्य के अंत में आते हैं, तो बच्चों हम जानते हैं ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। अभी बच्चों हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के चार तरीके से हम अंग्रेजी बनाना सीखेंगे। सबसे पहला, इनको कैटेगरी वाइज हम डिवाइड कर लेंगे। जैसे सबसे नंबर एक पर सीखेंगे अफर्मेटिव। दूसरे नंबर पर बच्चों हम सीखेंगे नेगेटिव, और बच्चों तीसरे नंबर पर सीखेंगे हम इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव क्या है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इससे पीछे वाली वीडियो में और इससे पहले जितने भी मैंने टेंस वगैरह कराए हैं सब मैंने आपको क्लियर करके बताया है। तो बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, एक चीज़ और क्लियर कर दूं मैं आपको, यहाँ पर एक वचन हो या आपका बहुवचन, दोनों के साथ में आपको एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, वो है हेड। और हेड के साथ में वर्ब जो आपको जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है। कौन सी फॉर्म यूज करनी है बच्चा, थर्ड। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ हम लगाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर रहेगा, सिंपल सा, ठीक है। दूसरा नेगेटिव देखते हैं हम, सब्जेक्ट, इसके बाद हेड, हेड के बाद आपको नॉट जोड़ देना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म सभी में रहेगी, मैंने कहा था परफेक्ट कोई सा भी टेंस हो उसमें आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, कंटिन्यूअस कोई सा भी टेंस हो उसमें आपको वर्ब की फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। तो बच्चों, ये पास्ट का परफेक्ट है। तो परफेक्ट किसी का भी हो, पास्ट का, फ्यूचर का या प्रेजेंट का, सभी में आपको थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट, हैड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में बच्चों आप जानते ही हैं दो प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, एक तो जिनमें क्या शब्द पहले आता है, एक जिनमें क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये इत्यादि शब्द होते हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बच्चों वाक्य के बीच में आते हैं, कहाँ पर आते हैं, वाक्य के बीच में, और ये वाक्य की शुरुआत में आता है। तो बच्चों, यदि क्या आपकी वाक्य की शुरुआत में आता है तो उसका स्ट्रक्चर आप लगाएंगे, सबसे पहले हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। क्या, कब, क्यों, कैसे, ये शब्द किसी वाक्य के बीच में आते हैं, तो बच्चों इनके लिए आप प्रयोग करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्या, क्यों, कब, कैसे, इनकी मीनिंग को हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। अभी बच्चों इनके सभी एक एक एग्जांपल की हम बात करना चाहेंगे, तो मैं इधर एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे वह खाना खा चुका था, वह अपना पाठ
याद नहीं कर चुकी थी। और एग्जाम्पल लेके चलते हैं बच्चों, क्या तुम अपना कार्य कर चुके हो। और आगे एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों, वे वहां क्यों जा चुके थे, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, चुके थे। ठीक है बच्चों, तो ये चार हमने हिंदी के सेंटेंस ले लिए हैं, अभी इनकी हम इंग्लिश बनाएंगे। तो चारों ही मैंने जो सेंटेंस लिए हैं आपके सामने बच्चों, ये एक तो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तीसरा इंट्रोगेटिव है, चौथा भी इंट्रोगेटिव है। लेकिन इनमें क्या है, जो तीसरा इंट्रोगेटिव उसमें क्या पहले है, चौथा जो इंट्रोगेटिव है उसमें क्यों बीच में है, यानी कि ये दोनों को अलग अलग मैंने लिखा है। तो अभी बच्चों इनकी इंग्लिश बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें प्रयोग करना है अफर्मेटिव, वह खाना खा चुका था, तो ये अफर्मेटिव है पास्ट परफेक्ट का। तो हमें इसमें सबसे पहले बच्चों क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। यहाँ पर दिख रहा है आपको ये स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट लगाना है। तो बच्चों सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, इसमें सब्जेक्ट है ही, इसके बाद लगाएंगे हेड, हेड दिखाई दे रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म खाने की बच्चों ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन हो जाएगी बच्चों। तो ही हैड ईटन द फूड। इस सेंटेंस को करने के लिए बच्चों आपको, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट सीखने के लिए बच्चों आपको वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, वह अपना पाठ याद नहीं कर चुकी है, तो बच्चों इसमें नहीं है तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव के लिए हमें एक ही स्ट्रक्चर यूज करना है, सब्जेक्ट, हैड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले बच्चों सब्जेक्ट लगाना है, इधर देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है बच्चों यहाँ पे ही, कर चुकी थी तो लड़की है, तो लड़की के लिए बच्चों यूज करेंगे हम सी, तो सी हैड के बाद नॉट, सी हैड नॉट कर, डू डिड डन। बच्चों कर की स्पेलिंग होती है डू, सेकेंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन, तो हमें प्रयोग करना बच्चों थर्ड फॉर्म। तो सी हैड नॉट डन, अब याद करने के लगाएंगे लर्न, क्या लगाएंगे बच्चों लर्न, अपना पाठ की यहाँ पे लगाएंगे बच्चों, लड़की के साथ में हम अपने पाठ की लगाते हैं हर लेसन। ठीक है, क्या तुम अपना कार्य कर चुके हो, तो क्या पहले आ गया, तो अभी इसमें हमें ये वाला स्ट्रक्चर लगाना है। तो हेड सबसे पहले लगाएंगे बच्चों हेड, इसके बाद सब्जेक्ट हैड यू डन योर वर्क। ठीक है, वे वहां क्यों जा चुके हैं, तो बच्चों इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है क्यों से, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लगाएंगे, तो वाह है, उसके बाद हेड, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना है दे, गो की थर्ड फॉर्म गॉन टू देयर। तो बच्चों ये कुछ एक मैंने आपके सामने पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ उदाहरण आपके सामने बना करके दिखाए। तो आप भी इसी तरीके से कोई भी बुक उठाइए जिसमें आपके हिंदी के सेंटेंस दे रखे हों और वो आप बनाना स्टार्ट करिए। यहाँ तक मुझे आशा है कि आप सभी सेंटेंस बना लेंगे। कोई भी सेंटेंस यदि आपको नहीं आता है तो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है 8279483511, इस पर अपना आंसर टाइप करके या फोटो खींच के किसी भी माध्यम से आप यहाँ तक पहुँचा दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, तो उसका जल्दी से जल्दी हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू क्लास, फिर मिलते हैं अगले सेंटेंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में।